चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख बदली, अखिलेश यादव संजय सिंह बौखलाए। पहले तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी की आंधी से डरे संजय सिंह। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। आम आदमी पार्टी ने सपा को समर्थन का किया ऐलान। उपचुनाव में हम लोग साथ देंगे, आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। योगी आदित्यनाथ के नारे ने बढ़ाई इंडी गठबंधन की मुश्किलें। ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ी लड़ाई ये है और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। उपचुनाव में हार देख चुनाव आयोग पर संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है और इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो 4 पंजाब और 1 केरल से है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आ सकती है और इसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी समेत कई सारी राष्ट्रीय पार्टी जो थी, कई सारे अन्य दल जो थे, उन सभी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदर की, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी समेत अन्य पार्टियों की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस मामले को लेकर इंडी गठबंधन के कई सारे नेता बौखलाए नजर आए, चाहे बात अखिलेश यादव की हो या संजय सिंह की हो। उन सभी को चुनाव आयोग का ये फैसला पसंद नहीं आया और इसके बाद उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। अखिलेश यादव ने बकायदा इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले जो है मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख, भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में कम रोजगार के लिए जाते हैं वो दीपावली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डलवाने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इनकी भनक लगी, उनके उपचुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो वही यूपी में आम आदमी पार्टी ने जो है इस मामले को लेकर जो है सदस्यता अभियान शुरू किया था। इस दौरान यूपी प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर काफी कुछ कहा और ये कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ का कारोबार कर रही है, पुलिस पूरी तरह से क्रूर तानाशाह हो गई है, लखनऊ में मोहित पांडे की हत्या हुई, अमन गौतम की हत्या हुई, चुनाव आयोग ने इनके हिसाब से डेट का शेड्यूल कर दिया, चुनाव आयोग का जो काम है, जिस तरीके से वो प्रोसेस कर रही है वो भी गंभीर रूप से देखने के लायक है, वो भी पूरी तरीके से सिंक में नहीं बैठ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रायबरेली में फौजी के साथ जिस तरीके से पुलिस वालों ने बर्बरता की, सरकार की विफलता है, पुलिस बेलगाम हो गई है, मुख्यमंत्री कार्रवाई करने की बजाय पुलिस को संरक्षण देते हैं, संविधान आरक्षण को खतरे में बताते हुए संजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ कहना है और संजय सिंह का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पहले तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी,
जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर एक। दूसरी बार अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस चुनाव, इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए। देखिए, ऐसा है, पोस्टर का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर, भाई चुनाव में आपको क्या बताना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है, हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई, तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है, थाने में मोहित पांडे की हत्या हुई, थाने में अमन गौतम की हत्या हुई, एक पूर्व फौजी को पीटा जा रहा है रायबरेली के अंदर, 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं, 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं, ओबीसी आरक्षण को आपने खा लिया जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। तो ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ी लड़ाई ये है और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है, सब मिल के बीजेपी को हराएंगे। तो जो कह रहे हैं ना बटेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पोस्टर में ये सरकार हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे इस तरीके। देखिए, ऐसा है, हिंदू किसको मानते हैं? ये रामनाथ कोविंद जी को हिंदू मानते हैं? देश के राष्ट्रपति थे क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इनको मंदिर के शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। किसको हिंदू मानते हैं ये? अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए पूजा करने पत्नी के साथ, तो उसको धुला गया गंगा जल से, किसको हिंदू मानते हैं ये लोग? इनके हिंदू की परिभाषा क्या है? 100 साल हो गए आरएसएस को बने हुए, एक दलित और पिछड़े का नाम बता दीजिए जो आज तक आरएसएस का प्रमुख रहा हो, एक दलित और पिछड़ा मैं पूछ रहा हूं आपसे 100 साल के अंदर। तो हिंदू किसको मानते हैं? बीजेपी वाले किसको हिंदू मानते हैं, पूछिए उनसे। महाकुंभ में अखिलेश जी से मुलाकात करी सर, क्या कुछ बात रही अखिलेश जी से जो मुलाकात की? उपचुनाव में हम लोग साथ देंगे, आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। चुनाव की तिथियों को लेके जो अभी घोषणा हुई है, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सवालों के घेरे में है। तो जैसा कि आपने सुना कि उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के खिलाफ भाजपा में नफरत है, संविधान आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, बटो नहीं मिलकर भाजपा को हराओ, हम लोग जेल से डरने वाले नहीं है, भाजपा देश विरोधी पार्टी है, असम के सीएम झारखंड में क्या बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात, नफरत फैलाने की बात, इस पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, भाजपा का हारना है। और संजय सिंह ने कहा कि संघ में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रमुख नहीं बना है, 100 साल हो गए हैं इनको, पूछो इनके पास कोई ऐसा है क्या, अपने संगठन में 60-70% का प्रतिनिधित्व नहीं देते, मंदिर के उद्घाटन में, पूजन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हिंदू की परिभाषा तो बताएं ये लोग, कहां के उपचुनाव में हम सपा के लिए जो है प्रचार करेंगे। यानी हमसे जब सवाल पूछा गया कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस तरीके से उपचुनाव में कहां पे आप अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से बातचीत हुई है और हमने फैसला लिया कि इस उपचुनाव में हम सपा के साथ हैं, उनके जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हम प्रचार करेंगे और हम सब मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं, यानी हम मिलकर भाजपा को हराएंगे। तो इंडी गठबंधन के नेता एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट नजर आई, एकजुट एक मंच से ये बात कह रही हैं और चीजें देखने के लिए मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में कहा जा रहा है कि योगी जो एक बड़ा फैक्टर है, योगी ने जो नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका असर देखने के लिए मिल रहा है और इससे ये काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। और यही कारण है कि इस घबराहट में अब इस तरीके के बयान दे रही हैं और इस घबराहट में इस तरीके की बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही है, जो अब कहीं ना कहीं हार के डर को इनके दर्शा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, खासकर जो उपचुनाव के डेट्स थे उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं और अब ये उपचुनाव 20 तारीख को होंगे। वोट की गिनती जो कि हमने आपको बताया था कि 23 तारीख है वो एज इट इज ही है, लेकिन चुनाव के डेट्स में थोड़े बदलाव किए गए हैं। उसके पीछे का कारण जो है धार्मिक का बताया जा रहा है। कई सारी पार्टियों ने इसे लेकर कहा था, मांग की थी और इसे लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने इसे मंजूर कर लिया है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव और संजय सिंह बौखलाए नजर आए और जैसा कि आपने बयान सुना, जो इनके बयान से साफ नजर आ रहा है कि उपचुनाव में हार के डर से अब ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।